आज की स्टूडियो में हम बात करें एज पर एज ह्यूमन नेचर, जैसे इंसान का जो नेचर होता है अभी के अभी मंगना, अभी कभी सारी चीज़ें चाहिए, अभी कभी सारी चीज़ें हो जाए। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, नो कॉन्टैक्ट, साइलेंट, तो लोगों का मेरे को ना मतलब ज़्यादातर यही क्वेश्चन होता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं क्या जिसमें सब कुछ आज ही ठीक हो जाए, 2 घंटे में ठीक हो जाए, 48 घंटे में ठीक हो जाए, 2 दिन में सब हो जाए, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं क्या? लोगों के हमेशा मेरे पास क्वेश्चन होते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते मैंने सोचा कि चलो आपको एक चीज़ मैं बता दूँ। ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए बनने वाली है जिनका रिलेशनशिप में अभी रिसेंटली कोई प्रॉब्लम आया, फिर उनके लिए नहीं जो 6-6, 7-7 महीने से बैठे हैं, फिर उन लोगों ने उनके लिए नहीं है, ठीक है ना, अभी रिसेंटली कोई प्रॉब्लम्स आई है, ठीक है, उनके लिए वीडियो। तो ध्यान से समझना और इन चीज़ों को अप्लाई करना और सही से अप्लाई करना, शायद आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आए और सामने वाला इंसान आपके पास आ जाए, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो में हम बात करते हैं, किसी इंसान की तरफ से हमें बार बार ब्लॉक किया जाता है, किसी इंसान की तरफ से हमें बार बार एटीट्यूड शो किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा घमंड दिखाया जाता है, इंसान काफ़ी ज़्यादा घमंड दिखाता है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास ये क्वेश्चन थे और बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं, तो इसी के लिए हम इस वीडियो में बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मुझसे अगर आप 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक कराने के लिए। कॉल बुकिंग का चार्ज लगेगा, कॉलिंग का चार्ज लगेगा, पहले मैं आपको बता दूं कॉलिंग का चार्ज रहेगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, चार्ज को पढ़ लेना, देन आप कॉल बुक करा के मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आप सभी को बता दूं गाइस, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अपने पैसे वेस्ट मत करो, मैं हर संडे लाइव आता हूँ, वीक में लाइव आता रहता हूँ, लाइव आ जाना, डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पूछ लेना, फ्री में आपको जॉब मिल जाएगा लाइव में, पैसे नहीं है तो, ठीक है। अगर आप ज़्यादा पर्सनली बात करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अभी आते हैं टॉपिक पे कि जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में थे, जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में है, उस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा हमारा यूज़ किया, उस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा हमें हर्ट किया, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई इस इंसान की वजह से, काफ़ी ज़्यादा हमें इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा या फिर करना पड़ा, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ये समझते हैं उस इंसान ने मुझे ब्लॉक करते, अब मैं क्या करूँ? देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर चाहते 48 घंटे या फिर 24 घंटे या फिर 3 दिन के अंदर कोई रिस्पॉन्स, तुरंत रिएक्शन आपको देना पड़ेगा। और कौन सा वाला रिएक्शन? जो पॉजिटिव हो, अपने साइड से पॉजिटिव रिएक्शन। कैसे देना है बताता हूँ। किसी इंसान ने हमें ब्लॉक किया, किसी इंसान ने बोला मेरे को तेरे साथ नहीं रहा, किसी इंसान ने बोला मुझे तेरे को छोड़ना या फिर छोड़ना चाहता, उस इंसान का झगड़ा हो रहा है, तू ऐसा करता, तू ऐसा करती, मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, तो सबसे पहला जवाब हमारा ये होना चाहिए, ओके डन, अगर आपको नहीं रहना, अगर तेरे को नहीं रहना, तेरे को नहीं रहनी मेरे साथ, ठीक है, लड़की हो लड़का कोई भी हो, ठीक है, तेरे को नहीं रहना मेरे साथ, एक काम कर, तू जा सकता है, तू जा सकते हो, उस इंसान को सीधा ब्लॉक कर दो अपने मोबाइल से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, हर जगह से। हम लोग अरे यार कैसे बात करो ब्लॉक करने का, अरे सुनो सुनो सही से सुनो, मैं बताता हूँ, ब्लॉक कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे हम ब्लॉक करेंगे उस इंसान को जलेंगे, पहले वो भी हमें ब्लॉक करेगा, ये सिंपल चीज़ है, या फिर वो इंसान कॉल करेगा, वो बात अलग होगी, लेकिन पहले हम बात करते हैं वो भी हमें ब्लॉक करेगा, जो 99% केसेस में होगा कि वो इंसान भी हमें ब्लॉक करेगा, क्योंकि हमने तो उसको ब्लॉक किया भाई, ठीक है। ब्लॉक करने के बाद हमें क्या करना, अपने लाइफ में थोड़ा सा खुश रहना, उसको शो नहीं होगा, हमें पता है उसको कैसे शो करेंगे, लेकिन अपनी लाइफ को अंदर से फील करो खुश, ठीक है। जैसे थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं से उसको पता चलने वाला है, और नहीं भी पता चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, खुश रहना है, वो इंसान झांकने की कोशिश करेगा एक दिन, ठीक है, 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 3 दिन हो गए, उस इंसान को परेशान हो जाएगी, यार ये इंसान मेरे को कभी ब्लॉक नहीं करता था, इंसान मेरे बिना 1 मिनट नहीं रहता था, इसने मेरे को कैसे ब्लॉक कर दिया। जैसे उसने झगड़ा किया, जैसे उस इंसान ने बोला मुझे तेरे को छोड़ना है, लेकिन हमने उसके ऊपर ही रिएक्शन दे दिया कि तू क्या छोड़ेगा, हमें तेरे को छोड़ रहा, ये वाला रिएक्शन दिया, तो सामने वाले को लगेगा कि यार मैंने इसको छोड़ा या इससे मेरे को छोड़ा, इसने मेरे को ब्लॉक कर दिया, इस इंसान ने मेरे को कैसे ब्लॉक कर दिया, आज तक इस इंसान ने मुझे कभी ब्लॉक नहीं किया, आज तक इस इंसान ने मेरे को इतना झुक के बात की, और आज इसके अंदर इतना एटीट्यूड कैसे आ गया, क्या ये सच में परेशान तो नहीं हो गया, क्या ये सच में छोड़ के तो नहीं चला गया, क्या सच में छोड़ के तो नहीं चलेगी, ये डर उसके अंदर आ जाएगा, और ये जो डर रहेगा ना उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा इस रिलेशनशिप में, ये जो चीज करेंगे उससे काफी ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। यार सिंपल से बात करूँ ना, इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, इस फॉर्मूले को बोलते हैं फियर ऑफ लॉस्ट। ये फियर ऑफ लॉस्ट होता है सामने वाले के अंदर। देखिए कोई भी इंसान हमें छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी इंसान सिर्फ हमारे रिएक्शन चेक करना चाहता है कि ये इंसान का जो रिएक्शन है, ये जो इंसान है ये कैसे मेरे साथ, मतलब वो ये चाहता है कि इसको मैं तड़पाऊँ। हर एक इंसान जो अपने रिलेशनशिप में बोलता है मैं तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ, उसको पता है ये रोने वाला है, और आपने अभी तक यही हरकतें किया, रोना है यार छोड़ के मैं जा, ऐसा मत करके, ऐसे कर रही, इतने साल का रिलेशनशिप, हाथ जोड़ना, उसको समझाना, मेरी गलती होगी, गलती नहीं होती तो भी गलती मान दे, तो इंसान का और ज़्यादा एटीट्यूड बढ़ता है, हाँ ये यही चाहता था, वो यही चाहती थी तेरे से, वो इंसान यही चाहता था इंसान, और हम वही करते, हमें क्या करना है, जैसे उसने बोला कि तेरे को छोड़ना है तो हमें सुधा उसको रिएक्शन दे देना कि हाँ चल ठीक है, तू क्या, मैं तेरे को छोड़ूंगा, बोलना नहीं सीधा करके दिखाना है, सामने वाले को ये माइंड में एक चीज़ आ जाएगी कि यार इसने सच में देखने जाए तो गलती मेरी है, मैं तो इसको तड़पाना चाहता या फिर मैं ये करना चाहता था, इंसान ने सच में मेरे को ब्लॉक कर दिया, तब उसको पता चलेगा कि नहीं यार ये इंसान को ज़्यादा इग्नोर करना या फिर इस इंसान को ज़्यादा झगड़ा करना या फिर इस इंसान को ज़्यादा इरीटेट करना, मतलब
ये छोड़ देगा। और जब भी कोई इंसान की सेल्फ पे या फिर कोई इंसान की ईगो पे बात आ जाती है ना, इंसान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, उसकी ईगो पे बात आ गई। क्यों? क्योंकि आपने उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आपने उस इंसान को छोड़ा है। ये शो करना, जैसे वो झगड़ा कर उससे पहले हम ही कटआउट कर दे, वो ब्लॉक कर उससे पहले हम ही कर दे, अरे ठीक है चल नहीं रहना, ब्लॉक कर दो उसको, बिना बोले ब्लॉक कर दो। कॉल मैसेज वो करेगा नहीं उठाना है, दूसरे नंबर से करेगा नहीं उठाना है, किसी थर्ड पर्सन से बात करवा रहा है तो बोल दो यार मेरे को उससे बात नहीं करनी, उस इंसान ने अगर मेरे को बोली दिया कि मेरी गलती है तो ठीक है, उसको तब तक तड़पाओ जब तक उसको उसकी गलती का रियलाइजेशन ना हो। और एक चीज़ बता दो, इससे दो फायदे होंगे, वो इंसान जो खुद आपके सामने हाथ जोड़ेगा, दूसरी चीज़ ये होगी, दूसरा फायदा ये होगा कि दोबारा ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेगा इंसान कि ऐसा मैं करूँ या नहीं, इस इंसान को छोड़ू या नहीं, इस इंसान को ऐसा करूँ, क्योंकि उसको एक डर आ जाएगा कि यार इस इंसान के साथ मैंने पिछली बार ऐसा किया था, इस इंसान ने मेरे को छोड़ा था, इस इंसान ने मेरे को छोड़ी थी, या फिर इंसान ऐसा करता है यार इसको छोड़ूंगा तो छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के चली जाएगी, ये डर उस इंसान के अंदर आ जाएगा। और ये जो डर होता है ना, यही डर की वजह से सारी चीज़ें होती है, उस इंसान के अंदर फियर ऑफ लॉस आ जाएगा, इंसान को पता चल जाएगा उसकी औकात क्या है। लोगों को उसकी औकात दिखाओ, लोगों को उनकी औकात दिखाओ, उनकी औकात ये है कि वो इंसान जो खुद को हीरो समझ रहे, हीरोइन समझ रहे कि नहीं ये मेरे बिना जी नहीं सकती, ये मेरे बिना जी नहीं सकता, ये उनका माइंडसेट बन चुका है। हम सामने वाले को ऐसे ही पेश कर रहे हैं, हम सामने वाले के साथ ऐसे ही पेश आ रहे हैं, हाँ यार मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, तू ही मेरी सुबह तू ही मेरी शाम, सब कुछ फीलिंग्स उस इंसान को शेयर करो, सारी चीज़ें उसको शेयर करो, तो ऑब्वियस इंसान ऐसा ही करेगा ना। हमें ये दिखाना है कि देखो आपकी बातचीत ही बनी बिल्कुल सिंपल चीज़, सामने वाले को कॉल मैसेज ही मत करो, सामने वाले को खुद ब्लॉक कर दो, सामने वाले को लगेगा यार इसी मेरे को कैसे ब्लॉक कर दिया। एक चीज़ हमेशा याद रखना साइकोलॉजी के हिसाब से कि इंसान के पास 1000 लोग होंगे, लेकिन 1000 लोग उसके पीछे पड़े, लेकिन एक ऐसा इंसान जो उसको इग्नोर करता है ना तो 1000 के पीछे नहीं जाएगा, जो उसको इग्नोर कर रहा है उसके पीछे जाएगा, साइकोलॉजी भी यही कहती है। तो हमें क्या करना, ऐसा बनना है कि जो 1000 लोग उसे हमें क्या लगता है हमने छोड़ दिया, हमने ब्लॉक कर दिया और किसी और के पास चली जाएगी, ये आपका डर है आपके अंदर, ये जो वहम भर चुका है ना कि ये नहीं होता, क्योंकि देखो हम इग्नोर करेंगे ना तो सामने लोग जलेंगे, उसके पास 1000 लोग होंगे तो भी नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इंसान उसी के पीछे जाता है जो उसको इग्नोर करता है। और इग्नोर करना सीख गए ना अपने पार्टनर को, सच्ची बताओ इंसान तुम्हारे पीछे बहुत पागल की तरह भागेगा, क्योंकि इग्नोरेंस को कोई फेस नहीं कर सकता। आप सिंपल खुद का एग्जांपल ले लो, अगर तुम्हें कोई इग्नोर करेगा तुम्हें कैसा लगेगा, तुमने किसी के लिए बहुत कुछ किया और इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो कैसे चलेगी, ठीक है ना। सिंपल चीज़, हम उस इंसान को छोड़ना चाहते तो उसने हमें ब्लॉक कर दिया, यार ये तो हमारा जो खेल है हमारे ऊपर ही भारी पड़ गया, वैसे उसकी सोच बन जाएगी कि उसका जो खेल है उसी के ऊपर भारी पड़ जाएगा, उसकी जो सोच उसने जो प्लानिंग किया तो प्लानिंग उसी के ऊपर भारी पड़ जाएगा। हमें यही करना है, उसका प्लानिंग उसी के ऊपर भारी पड़ना है, हमें यही चीज़ करनी है। और यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे, अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। 48 घंटे से लेकर 3 दिन के अंदर वो इंसान डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट करेगा, ये देख लेना। अगर आपका रिसेंटली कोई प्रॉब्लम हुआ है ब्लॉक करके खुश रहना है, तो बहुत सारे लोग मैंने ब्लॉक कर दिया लेकिन मैंने देखा यहाँ से मैंने वहाँ से देखा, कुछ नहीं होने वाला। हमें अपनी तरफ से ऐसे रिएक्शन देना है कि देखो ब्लॉक करने के बाद हमें सच्ची में खुश रहना है, सामने वाले को लगे यार 1 दिन हो गया 2 दिन हो गए इसने ब्लॉक करा, इसको तो फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा लगेगा कि हमने उसको छोड़ा है। और जिस दिन उसको ये फील हो जाएगा ना, 2 दिन 3 दिन लग सकते, 4 दिन भी लग सकते कि हमने उसको छोड़ा है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिएक्शन आना है। लेकिन ये चीज़ जो है वहीं पे करना जहाँ पे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो मैंने कंडीशन स्टार्टिंग में बताया, नहीं तो रिलेशनशिप अच्छा तुम ये चीज़ कर रहे हो तो रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा, फिर मेरे को मत बोलना कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, बहुत सारे ऐसे होते हैं, ठीक ना। तो कंडीशन देखो रिलेशनशिप के, देन उसके बाद अप्लाई करो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।